जब भी आपको किसी भी कंपनी में पैसा लगाना हो तो भाई ये तो जानना ज़रूरी है कि भाई वो कंपनी करती क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए हम बताते हैं लक्ष्य पावर टेक के बारे में, जिसका कि IPO 16 तारीख को खुल रहा है। तो भाई देखो, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सा तो जानकारी रखो कि भाई अल्टीमेटली कंपनी करती क्या है, क्योंकि सिर्फ GMP के आधार पर कर लोगे तो आगे आपको हो सकता है लॉस। और हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, ओनली प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है लक्ष्य पावर टेक, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2012 में, यानी लगभग 12-13 साल पुरानी कंपनी है ये। इसने अपना जो बिज़नेस शुरू किया था वो क्या था, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से। शुरुआत में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम करती थी, बाद में इसने अपने बिज़नेस को डाइवर्ट किया और ये आगे पावर जनरेशन कंसल्टेंसी में। पावर जनरेशन कंसल्टेंसी के बाद में इन्होंने गैस फायर्ड पावर और उसके बाद में लार्ज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन्होंने लेने शुरू कर दिए। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी ने अपने आप बिज़नेस को ढाला, नए नए बिज़नेस के अंदर वो लेकर के आई। ऐसा नहीं कि एक ही काम को करती रही, वो उसी में आगे बढ़ती रही, उसने नए नए बिज़नेसेस को लेकर के आए। ये बेसिकली 3 मेन एरियाज में काम करते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग का है। इनका इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं और ये साथ ही स्पेशलिटी सर्विसेज देते हैं। तो मेनली सर्विसेज इंडस्ट्री में है। आज के टाइम में इनके यहाँ पे 900 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और इन्होंने 138 प्रोजेक्ट्स के अप्रॉक्स इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इनके पास अभी भी काफ़ी अच्छा बिजनेस का इनके पास वो ऑर्डर्स इनके पास रखे हुए हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, शुरू इनके जो टर्नओवर की बात करें तो लगभग 31 मार्च 2024 को इनकी 150 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर था और लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी 31 करोड़ रुपए थी 31 मार्च 2024 को। रिजर्वल सरप्लस 24 करोड़ रुपए के आसपास के थे। हाँ, इनकी बोरोइंग्स 29 करोड़ रुपए की ज़रूर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और जो टोटल इनका IPO का साइज़ है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो बोरिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि IPO इनका लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का है। लेकिन चूंकि इनके पास में नए नए बिजनेस हैं और इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, तो ये कंपनी की ग्रोथ के चांस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरी आपको एक सलाह ये होगी कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले या कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में डिटेल रिव्यू अपने एंड पर जरूर कर लें। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हों उसी के बाद ही उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, हमारा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रॉफिट नो लॉस। तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी होगी। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी मैक्सिमम पैसा कमा सकें। थैंक यू।